हरियाणात राजस्थान दुई मुसलमान युवक जी नृशंस हत्याकांड हत्याकांडक ओवैसी गरजी उठिसे ओवैसिये हरियाणार बीजेपी सरकार এই বিষয়ে কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গৰজি উঠিছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। হাৰিয়ানাৰ ভিৱান্দীৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক অসাদুদ্দিন ওৱেইছি কিয় যুৱকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ভয়ংকৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছে সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। লাভ জেহাদৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগত আনি আনি গৰু চুৰৰ অভিযোগত দুই যুৱকক নৃশংসভাৱে জ্বলাই দিয়াৰ হত্যা কৰা হ'ল। এই মুহূৰ্তত সেই কথা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কি কৈছে ওৱেইছিয়ে? জুনাইদ আৰু নাছিদক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়াৰ হৈছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰত মন্তব্য কৈছে। এজাহাৰত দহজনকৈ লোকে জুনাইদ আৰু নাছিৰৰ বাহন আগুৰি ধৰিছিল, তাৰপিছত মারপিট কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে অসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। অভিযুক্তৰ নাম লোৱাৰ পাছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই প্ৰশ্ন অসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। অভিযুক্তক হাৰিয়ানা চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ। মারপিটর ভিডিও রেকর্ডিং করে প্রচার করেছিল সোশ্যাল মিডিয়াত। এই বিষয়ে এই মুহূর্তত সরব ভূমিকা লৈছে অসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। কি মন্তব্য করেছে, মন্তব্য আগবাইছে এই মুহূর্তত? বিজেপি কি সরকার जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों को पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते, और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफ दे बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे। ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा, तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है या फिर उनको पीटा जाता है या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। एक ऑर्गेनाइज गैंग, यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं, और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप, और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते ये लोग करते हैं। रमजान में शेखपुरा और रावली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर दो मुसलमानों को पकड़े ये लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई बाकी दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर दो मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलेज एक्यूज्ड है, जिसका नाम एफआईआर में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर, ये तो बदनाम कर रहे हैं। वीडियोस देखिए उसके, आप वीडियोस हैं उसके शख्स के जो एलेज्ड एक्यूज्ड है इस एफआईआर में।